क्या कहेंगे जो धमकी नेतृत्व को मिल रही है। देखो हमेशा हमेशा ये विधर्मियों ने ऐसा किया है, कमलेश तिवारी ने अगर कुछ कहा उसमें इनको पीड़ा ही उसका कत्ल कर दिया, काट दिया उसको, अगर कोई और कहेगा तो धमकी। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं, आज से नहीं, पूरा कम्युनिस्ट इतिहास है इनका और पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते हैं। ये भारत है, ये हिंदुओं का है और ये भारत है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा और रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम रखेंगे।